हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। किसी भी दो डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक बताने वाली हूँ, दोनों ट्रिक में से जो भी ट्रिक आपको ईजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 24, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, 24 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर टू का स्क्वायर क्या होता है, 4। देन नेक्स्ट 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 से 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। देन नेक्स्ट, अब ये जो तीनों नंबर दिख रहे हैं आपको 2, 4, 2, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2, 4 सा 8, 8, 2 सा 16, तो यहाँ पर हम सेंटर में लिखेंगे 16। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो पहला डिजिट है इसको एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। देन 1 और 6 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 6, 7। देन 1 प्लस 4, 5। सो ये है 24 का स्क्वायर, डेट इज 576। ये पहला मेथड था, ठीक है, ये पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक देख लेते हैं 24 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। देन 4 का स्क्वायर 16। ऑलराइट, अभी यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 4 सा 8, 8, 2 सा 16, तो यहाँ से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर हम लिखेंगे 16 और इसको ऐड कर देंगे। सो 6, 7, 5, ये है दूसरा ट्रिक स्क्वायर को निकालने के लिए, ठीक है। तो और कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, 55। 55 का स्क्वायर निकालना कितना होगा, 5, 5 सा 25, यहाँ पर भी आ जाएगा 5, 5 सा 25, सेंटर में क्या आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5, 5 सा 25, 25, 2 सा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो पहला डिजिट है इसको एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर हम 5 को एज इट इज रखेंगे। देन 2 प्लस 0, 2, 5 प्लस 5, 10, ठीक है, 5 प्लस 5 होगा 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और ये 1 कैरी में जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 1, 3, 55 का स्क्वायर क्या मिला, 3025। देन 55 का स्क्वायर आप ये मेथड से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दोनों मेथड में से जो भी मेथड, जो भी ट्रिक आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। देन कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 85 का स्क्वायर निकालते हैं। सो 8, 8 सा 64, 5, 5 सा 25, 8, 5 सा 40, 42 सा 80, तो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा 80। अभी क्या करना है, पहले वाले डिजिट को एज इट इज रखना है, 2 प्लस 0, 2, 8 प्लस 4, 12 होता है, कितना होता है 12, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ये जो 1 है ये कैरी में जाएगा, तो 6 प्लस 1, 7, सो 85 का स्क्वायर होता है 7225। देन यहाँ पर एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 99, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, देन सेंटर में क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में 162। अभी पहले डिजिट को एज इट इज रखेंगे, सो 1, 8 प्लस 2, 10, तो 0 और 1 कैरी में जाएगा, तो यहाँ पर 16 1 17 हो गया, ठीक है, 16 1 17 हो चुका है। 17 को यहाँ पर 1 से प्लस कर देंगे, तो 17 1 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1 कैरी में बचा है, सो 8 प्लस 1, 9। ऑलराइट, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, डेट इज 97 का स्क्वायर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, 97 का स्क्वायर क्या होगा। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, अगर ये ट्रिक पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।